नमस्कार दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.8% के क्लियर गिरावट दिखाई दे रहा है। स्टॉक आपको कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा, तेजी आएगा? तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल जो कि 11.70 को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, और अगला सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है जो कि 7.49 का, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 5.75 का। दोस्तों जिस तरीके से स्टॉक अपना ब्रेक डाउन कर रहा है तो संभावना हाई है डाउन साइड में। तो आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको पहले का वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आपको ये सपोर्ट लेवल दिखाई देगा, तो इसको सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा तो और भी गिरावट आएगा। तो हमने जिस तरीके से एनालिसिस किया था एग्जैक्टली वही कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोग, आज मैंने किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया, तो ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा हमारे चैनल पर जिसमें मैंने आपको कोई गलत प्रेडिक्शन करके दिखाया है। तो क्योंकि हमारा एनालिसिस जो भी होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है और परफेक्ट होता है, उसी हिसाब से स्टॉक आपको चलता हुआ ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जब तक आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला ऊपर के साइड में, तब तक आपको कोई भी बजट डिसीजन नहीं लेना है। स्टॉक क्लियरली यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट बना रहे, तो इसलिए आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। बाकी ऊपर के साइड में जो दो रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मन में फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो, इस वीडियो को लाइक करें। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में है। धन्यवाद।